मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 8,466 पोस्ट जो बचे हुए हैं उनका एग्जाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया। तो रिजल्ट को लेकर आगे का प्रोसेस क्या है, रिजल्ट आखिर कब तक जारी हो सकता है, फिजिकल कब से हो स्टार्ट हो सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही बच्चों का लगातार एक कॉमेंट आ रहा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किन किन ट्रेडों का लगने वाला है, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे जो कि कमेंट्स, फोन कॉल, मैसेज आ रहे थे। इसके लिए मुझे इस वीडियो को आज बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कौन कौन सी ट्रेडों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, फ्यूचर में आप सभी को इससे जुड़ी अपडेट हमेशा दी जाती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 8,466 वैकेंसी जो बची हुई है, इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पोस्ट हैं, ठीक है। और बात रही कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ अगर मैं सबको बताऊँ यहाँ पर, तो आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे 8,466 बची हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे 9,000 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई थी, बाद में इस वैकेंसी को कम कर दिया गया था। 8,466 पोस्ट जो बचे हुए हैं, इन पोस्टों में मेन कारण क्या है कि ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और बात करें इस वैकेंसी में, स्टेट वाइज भी इस वैकेंसी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट वाइज यूपी के लिए कितना है, मध्य प्रदेश के लिए कितना है, राजस्थान के लिए कितना है, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी को बांट दिया गया है। और स्टेट में भी कैटेगरी वाइज, मतलब स्टेट में जो भी ट्रेड होंगे ड्राइवर के, बिगुलर का, कुक का, तो उसमें जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज SC ST OBC, मतलब बात करें तो एक ही चीज़ को 3 से 4 बार यहाँ पर काटा गया है। मैं आपको सिंपल भाषा समझा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो ये एक छड़ी है, ठीक है, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो जो अब इस भाग को जो उठाएगा उसको हल्का पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कट ऑफ जो है कटते करते 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 आपका किसी न किसी पोस्ट का कट ऑफ आपको इतना कम देखने को मिलेगा कि 45 और बात करें यहाँ पर 50 भी जा सकती है, मतलब इतने कम पर भी सिलेक्शन आप सभी का हो सकता है, तो कोई ना कोई पोस्ट आपको देखने को ऐसा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी नंबर बढ़ रहे हैं आप सभी केवल और केवल अपने ट्रेडर्स पर फोकस करिए। और बात रही यहाँ पर कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की मेरे दोस्त यहाँ पर कोई डेट एक्चुअल नहीं आया मेरे पास, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका जो रिजल्ट का डेट है कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है, तो आपका जो महीना चल रहा है सितंबर का, इस महीने के लास्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, ठीक है। और बात रही यहां पे रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट आप सबका यहां पे स्टेट वाइज जारी होना चाहिए था, लेकिन आपका रिजल्ट जो है जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त, ऐसा चांसेस जहां तक बन सकता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो एक ही PDF में यहां पे जारी किया जा सकता है। कितने PDF में? एक ही PDF में आपका रिजल्ट यहां पे जारी किया जा सकता है, और उसमें जिसका भी नंबर होगा, जिसका भी उसमें नाम होगा, वो सभी बच्चे वहां पर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी रोल नंबर होगा वो बच्चे अपनी आगे की तैयारी यानी फिजिकल में के लिए उनका एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जा सकता है, ये सारी जानकारी है। लेकिन साथियों, अगर स्टेट वाइज रिजल्ट, मतलब अगर स्टेट वाइज रिजल्ट आना होगा, यूपी का अलग आएगा, बिहार का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, अगर इस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका रिजल्ट जो है आते आते कम से कम 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं पूरे भारत में सभी को मिलाकर अगर बात करें कम से कम रिजल्ट आते आते 10 दिन लग जाएगा। जैसे आज किसी का आया, कल किसी स्टेट का आया, परसों मध्य प्रदेश का आया, नरसों फिर यूपी का आया, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग स्टेट का जब जारी होगा तो कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा। और जहाँ तक चांसेस मेरे दोस्त यही है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो एक ही PDF में आ सकता है, या फिर स्टेट वाइज भी आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और उसमें आपकी कट ऑफ भी लिखी रहेगी कितना, मतलब जैसे यूपी है तो यूपी में इस ट्रेड की कितनी कट ऑफ गई है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी रहेगी, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, अगर हम आपको बताएं यहाँ पर, तो किसी भी ट्रेड का एक्चुअल में बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस अगर पोस्ट में बोला गया है साफ साफ कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप सभी का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जैसे कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं बोला गया, केवल बोला गया है कि आप 10वीं पास हो और साथ ही आपके पास इस ट्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए बस खाली,
तो बच्चे का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, केवल उनका ट्रैक टेस्ट होगा बस खाली, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाला है कुछ आगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल मैं आपको इससे भी ज़्यादा वीडियो बनाकर मजबूत कर दूंगा आप सबको, ताकि आपको किसी भी चीज़ में पीछे ना होना पड़े, ठीक है। मेरी वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल परेशान आप सभी मत होइए। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में कि ये रिजल्ट जो है आखिर कब तक आ सकता है। तो मेरे दोस्त, ये मन चल रहा सितंबर का, तो इस महीने के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। जी दोस्तों, इस महीने के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने की यहाँ पे 99% चांस है। कितना है? 99% चांस है। उसका मेन रीजन आपको बता दें तो रीजन यही है कि CRPF ने साफ साफ कह दिया है कि अब हमें CRPF HCM का भी रिजल्ट अभी नहीं चाहिए, साथ ही पैरामेडिकल का भी रिजल्ट अभी नहीं चाहिए, लेकिन CRPF ट्रेड्समैन का रिजल्ट मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जारी करिए। तो इसलिए यहाँ पे CRPF ट्रेड्समैन का रिजल्ट जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, और जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उस रिजल्ट को यहाँ पे CRPF के पास भेज जाएगा, और CRPF जो है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो इसलिए अगर मैं आपको बताऊँ तो सितंबर के लास्ट वीक तक आप सभी को रिजल्ट तो है देखने को मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि आज हो गया 19, कल हो जाएगा 20। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो हमें रात में बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और रात में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बाकी मैं वीडियोस वगैरह क्या करता हूँ स्टूडियो में आके दिन में ही बना के चला जाता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे रात में इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कमेंट को देखते हुए। तो फिलहाल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और हमेशा मैं आपको हर एक वीडियो में मोटिवेट करते जा रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए मेरे भाई, आप सभी फिजिकल और टेट तैयारी करते रहिए। आप लगभग लगभग बहुत सारे बच्चे पास होने वाले इंटर एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अभी आपका टेट बचा हुआ है, मेडिकल बचा हुआ है, फिजिकल बचा हुआ है, तो इसमें बच्चे बाहर होंगे, इसलिए यहाँ पे एग्जाम में बच्चे काफ़ी ज़्यादा पास किए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। एक चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट से जुड़ी पूरी सारी नौकरी के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।